दिन भर बॉलीवुड में कैसी रही हलचल आपको दिखाते हैं हमारे सुपर फास्ट सेगमेंट में। मुंबई में शाहिद कपूर की हिट फिल्म आर राजकुमार की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए शाहिद कपूर अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करते दिखाई दिए। इस पार्टी में करिश्मा तन्ना भी पहुंची थी। इनके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर शेखर, करण जौहर और मनीष मल्होत्रा भी यहां नजर आए। आमिर और सलमान के बाद अब अक्षय कुमार तीसरे ऐसे स्टार बन गए हैं जो पहली बार कॉफी विद करण के काउच पर नजर आएंगे। वहीं अक्षय कुमार अपने हॉलिडे से लौटकर मुंबई आए तो उन्हें पता चला कि उनका एक फैन 5 दिन से उनके घर के बाहर डेरा जमा कर बैठा हुआ है। ये पता चलते ही खिलाड़ी कुमार पर्सनली अपने फैन से मिलने गए। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने बेंगलुरु में हुए एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान कहा कि बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी क्लीन शेवन लुक में ज्यादा अच्छे लगेंगे। वहीं चित्रा ने ये भी कहा कि उन्हें बियर्ड में रजनीकांत काफी पसंद है। धूम 3 अब पाकिस्तान में होगी रिलीज। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को बिना किसी कट के क्लियर कर दिया है। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान फरहान अख्तर ने कहा है कि उनके फेवरेट एक्टर हैं बिग बी। यू नो इट्स डिफिकल्ट टू से, आई मीन अगेन इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव ग्रोन अप बीइंग अ ह्यूज एडमायरर ऑफ मिस्टर बच्चन्स वर्क, सो ही प्रोबेबली वुड बी नंबर 1 ऑन माय लिस्ट। फरहान यहां मूछों के साथ दिखाई दिए अपने नए लुक में।